हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टर्म्स ऑफ ट्रेड पर थोड़ा स्टडी करते हैं। ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हैं और ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड की। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम रेशियो लेते हैं एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो रेशियो लेते हैं हम एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट का, उसमें प्राइस को हम कंसिडर करते हैं, यानी प्राइस का आपका कितना है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का आपका कितना प्राइस है, और वॉल्यूम हम जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। तो ये नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल। सिंगल फैक्टोरियल का मतलब सिंगल। सिंगल फैक्टोरियल में आपका केवल एक्सपोर्ट को हम लेते हैं, एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, ओनली एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी। और डबल फैक्टोरियल में हम एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी भी लेते हैं और इंपोर्ट की प्रोडक्टिविटी भी लेते हैं, ठीक है। ये नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड के रेफरेंस में हम लेते हैं। तो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स में अगर आप कहो तो सिंगल फैक्टोरियल टर्म में नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड के आधार पर एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। डबल फैक्टोरियल टर्म में क्या किया जाता है, डबल फैक्टोरियल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को करते हैं अध्ययन। ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस आप देख सकते हो, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। ग्रॉस में हम जो क्वांटिटी इंडेक्स है एक्सपोर्ट अपॉन क्वांटिटी इंडेक्स जो है वो इंपोर्ट का, उसको हम अध्ययन करते हैं। रेशियो है, ये सारे रेशियो है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ग्रॉस में क्वांटिटी इंडेक्स एक्सपोर्ट का अपॉन क्वांटिटी इंडेक्स इंपोर्ट का, ये ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनकम में ऊपर हम लेते हैं एक्सपोर्ट, जैसा कि हमने स्टडी किया था, वहां पर हम एक्सपोर्ट की वैल्यू लेते हैं, प्राइस और क्वांटिटी दोनों, और अपॉन यानी डिनोमिनेटर में हम केवल प्राइस लेते हैं इंपोर्ट का। तो ऊपर वैल्यू हो गई पी इंटू क्यू और डिनोमिनेटर में केवल प्राइस ऑफ इंपोर्ट हो गया, ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में वैल्यू अपॉन प्राइस, प्राइस किसका, इंपोर्ट का, और वैल्यू किसकी, एक्सपोर्ट की। तो ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड और ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये सारे टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन सारे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे ये जितने टर्म्स ऑफ ट्रेड मैंने आपको समझाए हैं। आने वाली वीडियोज में मैं आपको और समझाता रहूंगा जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं। मेरे चैनल को आप देखते रहिए, और इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।